मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। और मेरे साथ एक और खास मेहमान सचिन पाधा जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं। कुछ देर में हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन और लीडर भी चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। वरिंदर जी, तारीख बदली है, फिर इस पर आखिर तकरार क्यों है? एक तरफ महबूबा मुफ्ती जी दावा कर रही हैं, पीडीपी दावा कर रही है कि हम यहां से जीतेंगे, महबूबा मुफ्ती जी और पीडीपी यहां पर मजबूत पोजीशन में है। जब आप जीतने का दावा कर रहे हैं, जब आप मजबूत पोजीशन में हैं, तो फिर सिर्फ तारीख ही बदली है, कुछ दिनों के लिए आगे एक तरह से रेशेड्यूल किया गया, उस पर इतनी परेशानी क्यों? देखिए, ऐसे है अबू हुरैरा साहब जी कि बात सिर्फ तारीख की होती तो कोई बात नहीं थी। बात भारतीय जनता पार्टी की नीयत की है, बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी की है, बात उस वोट की पर्ची के विश्वास की है जिसके ऊपर सारा ये दारोमदार है। जब ये आपको पता है कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, भारतीय जनता पार्टी पहले आपके चक्कर में अपना कैंडिडेट नहीं दे पाई। पूरे कश्मीर के दरवाजे इन्होंने खड़खड़ाया कि हमारी टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए, कोई इनकी टिकट पर चुनाव लड़ने नहीं आया। फिर जब किसी एक नेता को लाए, उसने भी दो दिन सर्वे किया, दो दिन के बाद उन्होंने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आप सबके सामने है। उसके बाद क्या होता है कि चुनाव जब चलता है, आगे कंपेन चलती है, जब इनको ये लगा कि नंतनाग रजौरी से महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो सीट जीतने जा रही हैं, तब चिट्ठी लिखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। और चिट्ठी कौन लिखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जो खुद जिनका चुनाव में मैदान में उम्मीदवार भी नहीं है जी। चिट्ठी कौन लिखता है? पीपल कॉन्फ्रेंस। चिट्ठी कौन लिखता है? एक आम आदमी जिसने फॉर्म भी नहीं भरा। हम ये पूछना चाहते हैं, चुनाव तो आप लड़ नहीं रहे, तो लेकिन आप उस डेट को डेफर करवाने के पीछे लगे हैं। अभी तो इनके इरादे और भी थे, अभी तो इनके मंसूबे कोई और थे। और दूसरी बात है अबू हुरैरा साहब, कल एक मेंडर का वीडियो जारी हुआ है, हमें शक जी। हमें जो क्रेडिबिलिटी का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर जो क्वेश्चन मार्क है, बात तो हम उसकी कर रहे हैं। एक मेंडर का एक वीडियो जारी हुआ है जिसको शायद सस्पेंड भी किया इनकी पार्टी ने जी। उसमें क्या कहा गया है, मैं लफ्ज नहीं दोहराना चाहता आपके चैनल पर, क्या बात की गई है वहां पर, तो बताइए मेरी जगह कोई भी आदमी होगा वो क्या सोचेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज का उन्होंने बहाना बनाया, जब डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कमीशन कहते हैं, जम्मू कश्मीर में आया, उन्होंने जब अनंतनाग रजौरी को अनंतनाग रजौरी के साथ जोड़ा, तब हमने कहा भाई आप ना ये क्लाइमेटिकली इलाका जुड़ सकता है, ना ज्योग्राफिकली जुड़ना, कनेक्टिविटी। तब भारतीय जनता पार्टी ने ढोल बजाए कि बहुत बड़ा फैसला हो गया। आज उस बिना को रख के आप कह रहे हो कि इधर कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही, तो जब हमने आपने कहा था तब आपने हमारी बात नहीं मानी, चलिए वो भी एक बात हो गई। अब आपकी कवायद क्या है? आपकी कवायद है कि किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती साहिबा को पार्लियामेंट जाने से रोका जाए। भाई आप अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, आप डराना चाहते हो, आप धमकाना चाहते हो। आपने 15 दिन टाइम इसलिए बढ़ाया है कि हम डरा लें किसी समुदाय को जो आपके वहां लीडर कर रहे हैं, जो वीडियो रिलीज हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बहुत तफसील में जी जी वरिंदर जी, बहुत तफसील में आपने जवाब दिया। मैं विक्रम सिंह रंधावा जी के पास जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि जो जो सवाल आपने उठाए हैं, वरिंदर सिंह सोनू जी ने जो जो बातें कही, रंधावा जी सबका जवाब देंगे। रंधावा जी, अब यहां पर क्योंकि वरिंदर सिंह सोनू जी पीडीपी से हैं, महबूबा मुफ्ती जी ने खुद इस पर बयान दिया, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, इल्तिजा मुफ्ती का इस पर बयान आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कुछ कहा है वो तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आएंगे उस वक्त सवाल करूंगा। लेकिन वरिंदर जी जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी यहां से लड़ भी नहीं रही है लेकिन उसे फिक्र लगी हुई है कि यहां पर तारीख बदलनी चाहिए। बीजेपी पूरे देश को चला रही है, लेकिन मुझे दया आती है पीडीपी के लोगों पे। इनका जन्म ही 2000 में हुआ था और 23-24 साल में आज ये पार्टी जो है खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। ये यकीनन था कि मैडम महबूबा मुफ्ती ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, इन्हीं के दम से आप लोगों ने सरकार भी बनाई थी, पहले ही लाके रख दिया था। इन्हीं के साथ आप लोगों ने सरकार भी बनाई थी, पार्टी कितनी भी कमजोर हो लेकिन वो, क्योंकि जी जी बिल्कुल वो
वो एक मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की थोड़ी विजन था और लोगों का वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट को ऑनर करना जरूरी था। लोगों ने वर्डिक्ट कश्मीर में इनको दिया, जम्मू में हमें दिया, हमने सिर्फ उसका ऑनर किया था। जब इनकी नीयत सामने आने लगी हम सरकार से बाहर आ गए। लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 25 लोगों ने फार्म भरा है, 23 लोग जो है वो अनंतनाग से है, 2 लोग जो है वो इस तरफ से है, और इस वक्त भी जो क्लाइमेटिक स्थिति है वो बड़ी दयनीय बनी हुई है। इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनको 16-17 दिन और मिल गए कंपेन करने के लिए। लेकिन मैं इनकी नियत पे खोट इसलिए कहता हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को आदत है 7-8% पोलिंग के ऊपर 6-7 हजार वोट लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। ये रंधावा जी, यहां से बीजेपी को क्या मिला? मैं वही तो कह रहा हूं, बीजेपी ने सब लोगों की सोच को ध्यान में रखा। बीजेपी का अपना इंटरेस्ट कोई नहीं था, हम वहां से चुनाव लड़ नहीं रहे, हम किसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, वो भी तय हो जाएगा। बीजेपी का कोई फायदा नुकसान नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। बीजेपी के लोग 5-6% पोलिंग में ही चुनाव लड़ना पसंद करते हैं। जी नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, मैं क्योंकि मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। रंधावा जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि मौसम की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से इस तरह का फैसला लिया जाए, इतिहास में कभी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, चुनाव तो इससे पहले भी होते रहे हैं। नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को तो इतिहास 1987 का भी याद रखना चाहिए ना, जब पूरे का पूरा इलेक्शन कमेन ही रिक कर दिया गया था और मिलिटेंसी को जन्म दिया गया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूरा इतिहास नहीं याद रहता ना, उनको वही इतिहास याद रहता है जो उनको सूट करता है। चलिए मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आ रहा हूँ, मुजफ्फर इकबाल खान जी, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं ये रिएक्शन देख रहा था तो इसमें उमर अब्दुल्ला साहब का भी रिएक्शन है, महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सब ने इस पर मतलब एक तरह से नाराजगी भी जाहिर की है कि सिर्फ इतने से मसले के लिए, हालांकि मौसम खराब है, सारी चीज़ें सबके सामने हैं, मुगल रोड बंद है, नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे वो भी बंद है, लेकिन इसे किस तरह से देखा जाए? सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि बीजेपी अपना फायदा इसमें देख रही है। अगर बीजेपी अपना फायदा इसमें देख रही है तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि कैंडिडेट ना होने के बावजूद भी वो किसका फायदा देख रहे हैं, ये चीज अभी देखने लायक है। रहा सवाल अबू हुरैरा साहब, इस डिसीजन से सबसे बड़ा धचका पहुंचा वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को पहुंचा। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और माना जाता है कि वो ऑटोनॉमस है, और वो पार्टी जिसने डर के मारे यहां अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया, उस पार्टी के कहने पे आपने इलेक्शन को रीशेड्यूल कर दिया और कहा मौसम। मुझे बताओ क्या गारंटी और भी पार्टियां इसमें इसमें देखिए, नहीं इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं, और भी पार्टियां हैं मुजफ्फर साहब, अपनी पार्टी है, बल्कि बुखारी साहब ने तो इसका वेलकम किया बाकायदा, सज्जाद गनी लोन की भी पार्टी है इसमें, उनके वेलकम करने इसकी छोड़िए आप, मैं कहता हूं पीसी ने लिखा, पीसी का भी कैंडिडेट नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, और पीसी ने 2 बार नंबर बढ़ाने के लिए 2 बार नाम लिखा, एक बार एज प्रेसिडेंट ऑफ दी पार्टी और एक बार एज पार्टी। मुझे ये बताएं, जिन पार्टियों को इसकी तकलीफ हुई उनके तो यहाँ कैंडिडेट भी नहीं, 2 पार्टियों के। और मैं वरिंदर जी आ रहा हूं, मौसम की वजह से आज तक तारीख में कभी मौसम की वजह से कोई इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका बेनिफिट भी हमको होगा, हम और कंपेन करेंगे, और इनकी जो पहले से ही बुरी हालत थी ना जी, इनकी जो सपोर्टर जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं जी, आप देख रहे हैं उनकी अब क्या हालत होने वाली है, और चलिए बिल्कुल, ये तो चुनाव है और सियासी पार्टियों को भी यहां पर वक्त और मिल गया है, किसके दावे में कितना दम है तो आगे देखा जाएगा। मैं इस पर सचिन पाधा जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं, बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, फौरन लौट कर आते हैं। बारिश से हुए नुकसान के लिए हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव अटल ढुल्लू ने ली राहत
बचाव कार्यों की जानकारी, सड़क संपर्क, पेयजल और बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश। किश्तवाड़ में रात 1:33 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता, 30 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर आज भी बर्फ हटाने का अभियान जारी, मंगलवार शाम को मुगल रोड पर हुई थी बर्फबारी। बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हावड़ा लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समिति की ओर की कोर कमेटी की बैठक में लिया हिस्सा। तो अनंतनाग राजौरी सीट पर अब तारीख बदल गई है और छठे फेज में, छठे मरहले में अब यहां पर वोटिंग होगी, लेकिन नई तारीख पर जो तकरार हो रही है इसे किस तरह से देखा जाए, अब यहां की सियासत पर भी क्या इसका असर पड़ेगा, इसी को हम आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद सचिन पाधा जी आपके पास आना चाहूंगा। सचिन जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने रंधावा जी, मुजफ्फर साहब और वरिंदर सिंह सोनू जी सबके जो बयान थे वो उसे आपने सुना, लेकिन जिस तरह से तारीख बदली गई है, क्या अनंतनाग की सीट पर जो सियासत हो रही, जो राजनीति हो रही है, उस पर भी क्या इसका असर पड़ेगा, किस तरह से इसे देखा जाए इस बदलाव को? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब लोग जो है इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं कि उसके कारण कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पपट हैं, तो पहले मैं यह बताना चाहता हूँ, पहले तो ये लोग ईवीएम पे शक करते हैं। इन्होंने पूरा साल जम्मू कश्मीर में राज किया, 2002 से या 3 से ईवीएम स्टार्ट हुई, तो इनको ईवीएम से ये जीतते आ रहे हैं, तब इनको ईवीएम पे शक नहीं हुआ, तब ये अपनी सरकार बनाई तब ईवीएम पे, अब ये ईवीएम पे रो रहे हैं, अब ये रो रहे हैं डेट पे। अब इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बोला है जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है वो अपने स्थान पे है ही नहीं, क्योंकि वहां पे इतने हालात खराब हो गए, उनको शिफ्ट किया गया, तो वोट कैसे डालेंगे वो? इन्होंने शायद रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, ये तो आ गए कि इलेक्शन कमीशन पपट है गवर्नमेंट का, ये बोल रहे हैं। अब मैं इनको एक और बात बोलना चाहूंगा, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला बाकी ने बोला कि जैसे बीजेपी का एक कैंडिडेट है सूरत में अनअपोज जीत गया, तो ये बोल रहे हैं कि देखो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, पर इनको शायद ये याद नहीं है कि 1980 में और 1989 में एनसी के दो कैंडिडेट तो अनअपोज जीते, तब तो नहीं कोई रोया, तब इनको इतिहास याद नहीं है, लेकिन ये जल्दी से ईवीएम की तरफ आ जाते हैं और इलेक्शन कमीशन को करने लगते हैं कि ये गवर्नमेंट का पपट है, कुछ करना नहीं चाहता, अपने टाइम पे इनको याद नहीं आता ये सारी चीजें। और दूसरी बात रही बीजेपी की, बीजेपी का वहां पे कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी खड़ा नहीं कर रही, ये उनकी पहले से ही हार है, उन्होंने पहले से ही इतना बड़ा स्टेप उठाया है, कोटा दिया है गुज्जर बकरवाल को, उनका अच्छा ग्राउंड है, लेकिन उनको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस सीट पर, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनका लिखना बनता भी नहीं था क्योंकि उनका तो कैंडिडेट नहीं खड़ा है, तो इलेक्शन कमीशनर ने सही डिसीजन लिया है क्योंकि वहां पे हालात है ही नहीं, इंक्लीमेंट वेदर है, तो इलेक्शन कैसे होगा? तो मेरा यही कहना है कि इनको पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे तो काफी कुछ किया है, ईवीएम से जीतते आ रहे हैं, और दूसरा अनअपोज की बात मैंने जो की वो तो पहले भी होते आ रहा है, 21 times जो है कांग्रेस अनअपोज जीती है, 21 times पूरे इंडियन हिस्ट्री में इलेक्शन में, लेकिन उनको तब नहीं कोई रोया कि अनअपोज कैसे जीत गई कांग्रेस, 21 MPs जीते उनके, तो ये जो है ये सब गलत सियासत कर रहे हैं। तो मेरा ये वरिंदर सिंह सोनू जी, इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट भी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि बीजेपी डरी हुई, वो नहीं चाहती कि महबूबा मुफ्ती, एक जो बड़ी आवाज है, वो पार्लियामेंट में पहुंचे, महबूबा मुफ्ती की आवाज को दबाने के लिए इस तरह का ये पूरा गेम किया जा रहा है, ये चीजें की जा रही है। देखिए ये तो बिल्कुल सच है, इसके ऊपर प्रमाण जो देती है जो कल की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब मेरे भाई हैं पादा साहब, अभी कह रहे थे जी गुज्जर बकरवाल नहीं है, पादा साहब पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, गुज्जर बकरवालों ने अब वोट करना है अपने टोकों की तरफ, अब मूव करना है उन्होंने, हम इसलिए कहते थे कि अब आप 15 दिन का अगर और टाइम देंगे तो अब वो निकलेंगे अपनी ऊपर की टोकों की तरफ, पहले आपको समझने की जरूरत है, हम चैनल पे आ जाते हैं बयान देने के लिए, पता है भी नहीं है क्या बीच में, गुज्जर बकरवाल तो अपने आज के ठंडे के इलाके में था, अब जब गर्मी शुरू होगी, अबू हुरैरा साहब गुज्जर बकरवाल मेरे भाइयों ने अब अपने टोकों की तरफ निकल रहे हैं, आप अड़ंगा अब डाल रही है इलेक्शन कमीशन उनको वोट ना दे, पर दूसरी सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन पर उंगली नहीं उठी है मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन पर उंगली नहीं उठी है,
इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है और इसको तो लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हम मेरी बात सुन लीजिए, पहले हमारी परेशानी है, बात को समझना नहीं चाहते। हमारे पास एक वोट की पर्ची है, अब उस वोट की पर्ची के ऊपर भी ये इतवार ले खत्म कर रंधावा जी जवाब दे रहे हैं। रंधावा जी जवाब दे रहे हैं, कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ पार्लियामेंट की पर्ची है, वोट की असेंबली आपने छीनी, म्युनिसिपलिटी आपने छीनी, पंचायत आपने छीनी है, ठीक है, एक रंधावा जी जवाब दे रहे नहीं, एक पार्लियामेंट की है। आप रंधावा जी जवाब दे रहे जी जी, आपको जम्मू कश्मीर के लोग कभी माफ नहीं करेंगे, आपको रजौरी पुंछ के लोग माफ नहीं करेंगे। अगर आप इतने दम वाले थे तो कैंडिडेट देते, आपकी क्रेडिबिलिटी आपने मेरे जैसे नौजवानों का विश्वास था, आप उसको खत्म करना चाहते हो क्योंकि आप डेमोक्रेसी के कातिल हो, आप जमहूरियत के कातिल हो, आपने हमसे असेंबली छीनी, आपने म्युनिसिपैलिटी छीनी, अपना विश्वास जम्मू पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस को बेच दिया है, आपके आपने अपना अपना विश्वास जो है वो जम्मू के चुनावों में कांग्रेस को बेच दिया है। आप चिंता मत करो, आपकी क्रेडिबिलिटी पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एक रीजनल पार्टी जिसका जन्म 2000 में हुआ है वो एक पार्लियामेंट सीट तक सीमित होकर रह गई है। हमारा जन्म कब हुआ, हमने चेक करो कि आपका वजूद दो बार सरकार बनाई और तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप पटंगे डाल रहे हो। आपने वोट कौन सी सरकार बनाई, विश्वास खत्म किया है, नूली विश्वास खत्म किया आपने, और सेल्फ रूल लाने के लिए आपने क्या लाया, कैंडिडेट नहीं आया, जो आया उसको भी भगाना चाहते हो मेरे भाई। आप आते ना चुनाव लड़ते, हमने धारा 370 को जड़ से उखाड़ फेंका, आप विश्वास, हमने धारा 370 को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसके लिए तुम कहते थे झंडा उखाड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आज जाओ कश्मीर में, हर तरफ तिरंगा में वातावरण है और फुल रही है, तुम्हारे मेरे भाई है, लेकिन आप लम्हों ने कथा की, सदियों ने सजा पाई, हर जगह आपने जो काम किया है मैं समझता हूँ लोकतंत्र को कत्ल करने का काम किया। चिंता मत करो, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी में चिंता नहीं करनी। चलिए देखिए, अब देखिए चुनाव की तारीख तो टली है, नहीं नहीं चुनाव की तारीख तो टली है, लेकिन इस पर भला किसका होगा। चुनाव 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 अनंतनाग की सीट पर टल गया है, लेकिन इस पर भला किसका होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा एक और मैं ब्रेक लूंगा, फौरन हाजिर होते हैं तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे एक ग्यालसन ने किया नामांकन, अपने समर्थकों के साथ और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने आर्टिकल 370 पर पुनर्विचार याचिका को लेकर दिया बयान, कहा कयामत आ सकती है लेकिन 370 वापस नहीं आ सकता। 85 वर्ष से ऊपर के लोगों और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए 3 दिवसीय घरेलू मतदान 90 एससी मेंढर में आज से होगा शुरू। 256 मतदाता करेंगे घर से मतदान, 1995 बुजुर्ग और 61 पीडब्ल्यूडी मतदाता डालेंगे वोट। तो जम्मू कश्मीर में अब तारीख पर तकरार हो रही है, अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव की तारीख बढ़ाई गई है और इसी पर अब एक तरह से घमासान देखने को मिल रहा है। बहुत खास मेहमान पहले से मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, मैं ब्रेक के बाद एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि दरअसल ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं, डेट को आगे पीछे करना, रिशेड्यूल करना, ये बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सहयोगी पार्टी इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती रही कि बीजेपी की ए बी सी टीमें जो हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो ये कौन सी पार्टियां हैं मुजफ्फर साहब? देखिए ये तो बीजेपी ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि इस पार्लियामेंट्री सीट पे वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, तो अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एम्बिग्युटी भी रह गई है जी, कि जिस तरह यहां वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बारामूला में वो पीपल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तक ये डिसाइड मुझे लगता है सेंट्रल कश्मीर में भी वो पीसी की ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने बीजेपी के कुछ लीडरान ने पहले पीडीपी की सपोर्ट का भी ऐलान किया था जी, लेकिन
परसों हमने सुना कि इनकी मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया और मीडिया को ये बताया गया कि हम लोग यहाँ अपनी पार्टी की सपोर्ट करेंगे। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी शक व शुबे की भी गुंजाइश रह गई हो, और अब तो बी टीम या सी टीम कहना भी जो है वो गलत हो जाएगा। अब तो वो जाहिर ही हो गया, कोई इसमें कोई चीज अब छुपी ढकी। रंधावा जी चीजें सामने आ गई है। दूसरी बात अनंतनाग सीट पर रंधावा जी ने एक चीज कही कि हमने 370 को जड़ से उखाड़ के फेंका। आपने खाली 370 को नहीं फेंका, जम्मू कश्मीर से बीजेपी को भी जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, जिस बीजेपी ने 370 जो प्रोटेक्शन हमारी थी जमीनों की और एम्प्लॉयमेंट की, ये जिसके लिए कहते हैं हमने जड़ के जड़ से उखाड़ के 4 जून को एक बार साहब बात करेंगे, बीजेपी 4 जून को बात करेंगे जब एनडीए अपनी 6 की 6 सीटें जीतेगी, लद्दाख की सीट भी जीतेंगे, जम्मू की सीटें भी जीतेंगे, और ये तीनों सीटें भी एनडीए वाले जीतेगा। बैठूंगा कि एक भी सीट नहीं, नहीं तो अनंतनाग पे एनडीए की कौन सी पार्टी है? कश्मीर में एनडीए की कौन सी पार्टी है रंधावा जी? अभी तय हो जाएगा जी। मुजफ्फर साहब अभी वाले कर रहे थे जो नाम बता रहे थे, और सीट पे तो पता ही नहीं है। अब कितना छुपा के रखेंगे रंधावा जी? ना अब तो छुपा कुछ भी नहीं, अब तो जाहिर हो गया सब कुछ। अब्दुल सर बोलना चाहूंगा। अब तो सब कुछ जाहिर हो गया, उन्होंने खुद ही जाहिर कर दिया। उन बेचारों को भी खामखा में बेपर्दा कर दिया, पर्दे में ही रहने देना था, वो तो 2 दिन पहले बेपर्दा ही कर दिया। अब्दुल सर थोड़ा बोलना चाहूंगा। जी 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 सचिन बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा था, ये वीरेंद्र सर बोल रहे थे कि एक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि महबूबा मुफ्ती तो बहुत जोर शोर से बोलती थी कि हम लाल तिरंगा नहीं फैलाने देंगे, हम लाल चौक में ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करेंगे। तो इनको क्रेडिबिलिटी याद नहीं आती? इनके टाइम पे जो फ्लाईओवर बना है तिरंगा लाल नहीं होता, पहले तिरंगा तिरंगा होता है, लाल नहीं होता, लाल चौक में जो आपसे बोली नहीं जा रही, तिरंगा लाल नहीं होता, तिरंगे का रंग तिरंगा होता है। आप लाल तिरंगा कौन सी नई बात ले आए? आप अपना हेडफोन पहले जानकारी रखा करो, डिबेट में आने से पहले तैयारी किया करो। आप अपना कभी कह दिया मुझे जा रहे हैं वापस आ रहे, पहले जानकारी लेके आओ। आप जैसा लोगों ने ही जम्मू कश्मीर की एमसी में बैठेंगे, इनकी आप मुझे आप एक बात बता, एक तिरंगा हमने उठा के रखा, आपसे सर्टिफिकेट लेने तिरंगे के लिए हमने शहादत दी है, आप अपनी कोई नई बात लेके आओ। आप तिरंगे को लाल कह रहे हो, पता क्या है आपको? फ्लाईओवर बनाया जम्मू में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे की है, बाद में चलिए ठीक है, हम चर्चा पर लौट कर आते हैं। ठीक है ठीक है, किसने क्या किया, किसने क्या किया, वो तो सब आवाम देख रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चर्चा पर ही लौट कर आ रहे हैं। ठीक है सचिन जी, नहीं ठीक है चर्चा पर ही लौट कर आ रहे हैं। ठीक है मैं रंधावा जी आपके पास आ रहा हूँ, वीरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह सोनू जी मैं आ रहा हूँ, मैं सचिन जी मैं आ रहा हूँ, मैं एक एक करके वन बाय वन एक एक करके आ रहा हूँ। मैं रंधावा जी मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों सीटों पर बीजेपी वहां पर है नहीं, तो अब ऐसे में एक तरह से तमाम चीजें तो क्लियर हो गई। आपने कहा कि एनडीए की 6 की 6 सीटों पर जीत कर आएंगे, लद्दाख की 1 सीट और जम्मू कश्मीर की जो 5 सीटें हैं, मतलब बीजेपी सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, जो बात अभी तो मुजफ्फर साहब कह रहे थे, अब कुछ छुपा नहीं है। देखिए छुपाने वाली बात तो कोई है भी नहीं है, अब कुछ इन लोगों ने उजागर कर दिया, कुछ सार्वजनिक हो चुका है, बड़ी जल्दी हमारे लीडरशिप उसको पब्लिकाइज भी करेगी, और यकीनी तौर पे जो भी हमारा पार्टी का डिसीजन होगा वो कार्यकर्ता फॉलो करेंगे। टाइम दे दीजिए, हम यही तो कह रहे हैं ना, यही तो रंधावा साहब हमारा कहना था, जो आपने पब्लिसाइज करना है उसी लिए आपने इलेक्शन कमीशन को यूज किया है टाइम बढ़ाने के लिए, और हमने तो यही बात हम कहते थे, आपने मान ली, आपका शुक्रिया जी। 4 जून के कहना चाहते थे, 4 जून के बाद तय करो कौन सी पार्टी में जाना है, और 4 जून के बाद आप कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, 4 जून के बाद आप चैनल पे नहीं आ पाओगे हमारी बात करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ हम यही तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आपने ढाल बनाया, आपको टाइम चाहिए था अपनी बात करने के लिए, वो आपने टाइम ले लिया, और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई बड़ा काम है ही नहीं जो हम कह रहे हैं, आप जो मर्जी समझ लो, बाहर आ चुकी हैं, बड़ा धन्यवाद है आपने अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ढाल बनाया था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बलबूते पे आपका जनता रंधावा जी आप भूल गए हैं कि इन्हीं के साथ आपने 4 साल 3 साल सरकार चलाई है।
रंधावा जी ये भूल गए हैं कि 4 साल तक वो लोगों को बोली का एक बार था वो इनकी इनकी नियत को भी तो भापना था ना। चलिए जी सचिन जी आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूँ आपके पास, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। मैं सचिन जी एक चीज मैं अब इस सीट की पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूँ, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इस पर अब अगर यहां से पॉलिटिक्स देखी जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उम्मीदवार यहां से है, महबूबा मुफ्ती जी खुद एक बड़ा चेहरा है, वो खुद पीडीपी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में अब यहां की लड़ाई किस तरह से सचिन पाधा जी देखी जाए? मैं ये बोल रहा हूं मौका भी मिल गया है सारी पार्टियों को, जो मुफ्ती जो मैम खुद आई है वो अपना बेस कंसोलिडेट करने आई है, अगर वो जीतती है तो वो अपना जो है पॉलिटिकल रिवाइव जो किस्म का बोलते हैं, जो पीडीपी थोड़ी बेस अपनी खो चुकी थी वो अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इस सीट पे आई हैं, पहली बात ये। पीडीपी कई बार सरकार में रह चुकी है, जम्मू कश्मीर रह चुकी है, बाद में वो हरी भी है, तो अपना वो कंसोलिडेट करने आई है इस सीट पे बेस। और दूसरी बात ये है कि अरे सर मेरे को बोलने दो, आप आज पीडीपी में हो कल आप एनसी में होंगे, मुझे अच्छे से पता है, मुझे बोलने दो। मर जाऊंगा और की तरह नहीं हूँ, मर जाऊंगा इसी झंडे के नीचे मरूंगा, पहले देख के आओ मेरा इतिहास फिर बात करना। आप पता नहीं आज पीडीपी ने रजिस्टर कर दिया, आपके बारे में देख लो, ये अल्फाज आपके बारे में मीडिया एनालिस्ट भी कह रहे हैं, ये 4 जून के बाद किसी और पार्टी में होगा, मैं तब नहीं हिला जब पूरी दिल्ली मैं आपकी डिबेट में आज लिख देता हूँ, 4 साल बाद पहले पीडीपी में होंगे या कांग्रेस में होंगे वीरेंद्र सर, ये मैं अभी से लिख के दे देता हूँ आपको। अब ये तो वीरेंद्र जी का देखिए उनका पर्सनल अपना है और सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कैसे कैसे कहां कहां चले गए, मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है मुजफ्फर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुजफ्फर इकबाल जी क्योंकि इंडिया गठबंधन की पूरी बात की गई जम्मू कश्मीर में और कभी कहा गया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बात नहीं बनी, लेकिन जम्मू की 2 सीटों पर कांग्रेस का दोनों सीटों ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने सपोर्ट किया, हालांकि खुद जब वैली में हम आते हैं और कश्मीर में आते हैं तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, तो क्या अनंतनाग में जिस तरह से महबूबा मुफ्ती भी यहां पर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उम्मीदवार है, सीटें कांग्रेस हार रही है जी? नहीं अब ये देखिए हार जीत की तो 4 तारीख को पता चलेगा रंधावा जी, पहले से कुछ दावा नहीं किया जा सकता, पहले से दावा नहीं किया जा सकता, 4 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। हमें दावा तो देखिए अनंतनाग पर पीडीपी भी कर रही, महबूबा मुफ्ती भी दावा कर रही कि वो जीत कर आ रही है, लेकिन जो चीज है वो तो 4 तारीख को पता चलेगी। मैं मुजफ्फर साहब क्या एनसी और पीडीपी की आपस में जो लड़ाई और बयानबाजी और जो नोकझोंक है इसमें बीजेपी को मजा आ रहा है? ये दिल बहलाते रहे 4 तक बीजेपी वाले, हमें कोई एतराज नहीं है, 4 तारीख को ये इनका ख्वाब जो है ये टूटने वाला है। रहा सवाल पीडीपी और एनसी, हम गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं और इलेक्शन ठीक है एक सीट पर, गुपकार तो टूट गया खत्म हो गया, अभी भी है क्या गुपकार? नहीं ऐसा नहीं है, गुपकार अलायंस अपनी जगह इंटैक्ट है, खत्म हो गया गुपकार अलायंस इलेक्शन के लिए। उमर अब्दुल्ला ने ओन किया कि रंधावा जी कह रहे गुपकार खत्म हो गया, चार के बाद वो अलायंस फिर बैठेगा और बीजेपी कहीं दिखेगी नहीं, उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा पूरे भारत से दिखेगी नहीं, और जम्मू कश्मीर में तो कोई चांस नहीं है कि एक सीट भी ये जीतेंगे, जम्मू कश्मीर से 5 की 5 सीटें बीजेपी हारेगी, बाकी जो भी जीतेंगे वो आपको पता चल जाएगा। देखिए 3 सीटें जो हैं वो गुपकार अलायंस ही जीतेगा, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जीते या कोई दूसरा जीते, रंधावा जी जीते, रंधावा जी तो दावा कर रहे हैं कि एनडीए जीतेगा जी, एनडीए है कहां, 6 की 6 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो एनडीए है नहीं ना, अब मुझे ये बताओ जम्मू की दोनों सीटें और लद्दाख की सीट हम अपने बलबूते पे जीते हैं, जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी वो लोग जीतेंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी का बेस ही नहीं इन 3 सीटों पे, तो रंधावा साहब क्या कह रहे हैं आप, यहाँ आपका कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो सका, जहाँ आपका कैंडिडेट पहले मैदान छोड़ के बहुत बड़ा बेस है, बहुत बड़ा बेस है, अब आप कहते हैं ये बेस है कि नहीं है, 4 जून को बात करेंगे ना,
सर फेस सेविंग करना चाहते हैं, फेस सेविंग करना चाहते हैं, तो वो मुझे लगता है सर एक क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई ये राजनीति है ना। चलिए ठीक है सचिन जी आप कुछ कह रहे हैं जल्दी से। हाँ मैं ये पूछना था जो इंडिया एलायंस है ये रामलीला मैदान में तो एक साथ खड़े बात करेंगे एक साथ खड़े होते हैं और इलेक्शन अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो ये कैसा अलायंस है? ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाला अलायंस लग रहा है मुझे। आपस में लड़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में हमें जाना पड़ा मजबूरियां होगी सबकी लेकिन अलायंस एक सोच के साथ होता है। हम एक सोच के साथ है संविधान को बचाने और किस तरह शासन मुक्ति पाने के लिए हम सब लोग करते हैं। अलायंस ये नहीं होता कि सिर्फ वोट के लिए अलायंस होता है। हम एक सोच के साथ इकट्ठे हैं। कौन सा सोच है कि आपस में हमारी सोच है भारतीय जनता पार्टी की कमजोर पॉलिसी के खिलाफ है। हम संविधान को बचाना चाहते हैं देश को बचाना चाहते हैं। ठीक है मैं वरिंदर जी वरिंदर जी ठीक है ठीक है बात मैं एक एक करके आ रहा हूं। सारे लोग बोले फिर बात समझ में नहीं आ रही मैं वरिंदर सिंह सोनी जी अगर जिस गुपकार अलायंस की बात हो रही है या जिस इंडिया अलायंस की बात हो रही है यहां पर अनंतनाग की सीट पर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों में से कोई अगर एक उम्मीदवार अपना उतारता तो शायद मेरे ख्याल से तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो सकती थी। हार या जीत की जो तस्वीर तो क्लियर होती लेकिन अब तस्वीर क्लियर है अबू हुरैरा साहब जी नहीं ये दावा तो देखिए अब पीडीपी भी कर रही है रंधावा जी भी दावा कर रहे हैं अपनी पार्टी भी दावा कर रही है वो भी तो अबू हुरैरा साहब बात है जो भी जीतेगा वो कि हम तो चाहते थे कि इकट्ठे लड़ा जाए। चलिए सही अब ठीक है हम सब होंगे 4 जून को हम सब लोग होंगे 4 जून को और किसके दावे में कितना दम है 4 जून को मुजफ्फर साहब देखेंगे। वरिंदर जी और विक्रम सिंह रंधावा जी सचिन जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।